हेलो, हाय, ठीक है। तुम सुनाओ। कैमरा इधर मिट्टी मिट्टी। चलो जी, नक्श की तो आवाज ही नहीं। गाइस, मैं आपको मिलवाती अपनी कजन से। और हम बुगने ताली मेरी बारी है। मैंने तो अपने दोस्तों को कहना कि जी उसकी तीजी तुम्हारी है। ओह माय गॉड, मुझे आउट कर। हेलो तो बोलो। हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदा का बिल्कुल ठीक है। और ये देखे, मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी और हमारी सुबह ईस्टर है, तो बिल्कुल शॉपिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था। तो आज हमारी शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट है, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। नक्श, पकड़ के लाओ चीज़ें, अपनी शॉपिंग लेकर आओ। तो आप हमारी शॉपिंग देखें और मैं करती हूँ अपने रात के खाने की तैयारी। चलो जी, नक्श की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं ही बताती हूँ। ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ बेस। ये मेरी स्किन पे सही रह जाती है, इसीलिए मैं यही लगाती हूँ। और ये वर्थी के सूट के साथ की है और ये नक्श के सूट की। इनके ड्रेस के साथ साथ लेकर आई हूँ। ये वर्थी की है, ये नक्श का, एक नक्श ने लगा ली है। और ये भी नक्श लेकर आई है अपने लिए, और ये मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा कलर लगा था मुझे। ये बच्चों के लिए था, और एक ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ये कलर, और ये नक्श अपने लिए लेकर आई हूँ, और ये मेहंदी, और ये नक्श के एक एक इसने सेट पहन लिया, ये देखिए। और ये जनाब लेकर आई है अपने स्कूल के लिए वाटर बॉटल। और ये लेकर आई थी मैं वर्थी की सैंडल। वर्थी का ड्रेस पकड़ के ला, वर्थी का ड्रेस भी मैंने आपको नहीं दिखाया था। और ये है जी नक्श की जूते, और ये हमारा शैम्पू है। और क्या रह गया है, नक्श का वर्थी का ड्रेस रह गया। ये है जी वर्थी का ड्रेस, इसके साथ पैंट है, और पैंट पे भी ये बना हुआ है, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारा सा। अब कल पहन के दिखाएगी। हाँ, और अब जब पहनेगी कल तो फिर आप हमें देखिएगा। तो गाइस, हम मिलवाते हैं, मैं आपको अपनी कजन से मिलवाती हूँ। हेलो, इनको पापा बुला रहे हैं। गाइस वो बहुत ज़्यादा वाला शर्माती है, ज़्यादा वाला। गाइस आप भी कहते होंगे कि मैं भी इधर हूँ, मेरी मम्मा भी इधर, तो कैमरा किसने पकड़ा होगा। तो गाइस हमने किराए पे कैमरा मैन लिए 500 के, वो आइए। गाइस ये मेरी कज़न है, इधर आओ मिलो, जब से आई हो। ये जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ मुझे कहती है कैमरा बंद कर दे। गाइस मुर्गियों का घर तैयार हो रहा है इधर। बेटा स्कूल में ऐसे थोड़े ना सब मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं। गाइस हम क्रिकेट खेलने लगे हैं। हाँ, और हम पुगने ताली मेरी बारी है। मैंने तो अपने दोस्तों को कहना कि जी उसकी तीजी तुम्हारी है। ओह माय गॉड, सॉरी मैं खेल नहीं सकती, मैं सिर्फ अपनी बारी ले लूंगी। आई एम वेटिंग फॉर माय बारी। गाइस मैं भी बड़े कमाल वाला कैच पकड़ा था, और फिर इस घर में बॉल चली गई। अब ये जा रहा है, जल्दी जा। अस्सलाम वालेकुम, बॉल बॉल।
आंटी कह रही है ले लो सामान जल्दी जा। बड़े आराम से कह रहा अस्सलाम वालेकुम। हां ये गाइस मेरा पिंपल आ गया। सो गाइज़ मैं बहुत खुश थी कि इस ईद के शुभ मौका पर मेरी मुर्गियों की सुनी गई है, मुर्गियों का कमरा बन रहा है। ये देखें अभी तो स्टार्ट है, जैसे जैसे तैयार हो जाएगा कंप्लीट होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिखाऊँगी। तो मैं मिस्री के लिए चाय बना कर लाई थी, तो असलम साहब को भी मैंने साथ ही दे दी चाय और ख़ुद भी साथ ही बैठ के पी रही थी, क्योंकि मिस्री साहब जो थे वो हमारे अपने ही थे, गैर नहीं थे, इसलिए हमने साथ चाय पी। गाइस मुझे मुर्गी का पर मिला, मैं कृष्णा बनने लगी। लग नहीं रहा, लग गया। हाँ कृष्णा।